Welcome back to the physics class. We were doing the chapter motion of system of particles and rotational motion. The motion of system of particles, center of mass, motion of center of mass and its application we have already covered. Today we are going to start the concept that is rotational motion. We are going to study that what is the rotational motion of a body. How can we do the motion rotational of a body? मतलब एक motion को rotation कैसे बना सकते हैं? तो कुछ के basic ideas, basic concept उसके पीछे क्या होते हैं? As we know, for motion of a body, a force is required. अगर आप किसी body को चलाना चाहते हो, तो उसके ऊपर क्या चाहिए? Force required है, force लगना चाहिए उसके ऊपर. तो अगर एक बॉडी को लीनियर चलाना चाहते हो तो सिर्फ हम उसको फोर्स बोलते थे. बट इफ़ यू वांट टू रोटेट अ बॉडी, अगर एक बॉडी को रोटेशन मोशन में आप चलाना चाहते हो, अ फोर्स इज आल्सो रिक्वायर्ड, अ डिफरेंट फोर्स इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड टॉर्क. सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स और कैन इट बी कॉल्ड एज टॉर्क. तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या बन रहा है? मूवमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क. क्या होता है मूवमेंट ऑफ अ फोर्स? देखिए, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क. डेफिनेशन क्या बनी? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स about an axis is called moment of force, is called moment of force or torque. अगर किसी बॉडी के ऊपर लगाया हुआ फोर्स उस बॉडी को इस एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा दे, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर लगाया गया फोर्स उस बॉडी को एक एक्सिस के अबाउट क्या करवा दे, रोटेट करवा दे, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और यू कैन कॉल इट एज टॉर्क. मतलब किसी भी बॉडी को रोटेट करवाने के लिए जो फोर्स लगेगा दैट इज टॉर्क, दैट इज टॉर्क, उसको टॉर्क कहा जाता है. इट इज मेजर्ड एज, अब हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि टॉर्क होता क्या है, मतलब हम कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं भाई कितना टॉर्क लगेगा. तो मेजर कैसे करेंगे? तो हम एक डोर का एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, जैसे ना हमारे पास एक डोर है, ये डोर की फिक्स एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट डोर क्या कर रहा है, रोटेट. यहां पे डोर का हैंडल लगा हुआ होता है. ओके, हम डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, इस डोर के हैंडल को पकड़ते हैं. मान लो हम रूम के अंदर खड़े हैं, ठीक है, दरवाजा बंद है, हमने उसको खोलना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ उसको फोर्स लगाएंगे, अपनी तरफ उसको क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे. तो फोर्स हमारी तो लग रही है ऐसे परपेंडिकुलर. ओके, ये डोर, डोर का ये हैंडल, हैंडल पर फोर्स लग रही है इधर. ओके, फोर्स आउटवर्ड लगेगी, हम अपनी तरफ लगाएंगे फोर्स, और जिस एक्सिस के अबाउट वो डोर रोटेट करेगा, जहाँ से उसके कब्जे लगे हुए होते हैं, हिंज जिसको बोलते हैं, हिंज लगे होते हैं ना, जहाँ से जिसके एक एक्सिस फिक्स होता है एक साइड दरवाजे का, उस एक्सिस के अबाउट वो दरवाजा क्या करेगा, आप देखना वो रोटेट करके जाता है, वो क्या करेगा, रोटेट. मैं आपको एक बुक का एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास एक ही बुक है, ठीक है, ये जो इसकी एक्सिस है मान लीजिए ये फिक्स है ऐसे, ये डोर है, यहाँ पर इसका हैंडल है, मेरे को अगर इसको खोलना है तो मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ूंगा और ऐसे, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये लीनियर थोड़ी ना चल रहा है, आप ध्यान से देखो तो ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये ऐसे, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो ये इसकी फिक्स एक्सिस होगी. तो अब क्या करना है आपने, टॉर्क निकालने का क्या फॉर्मूला है, कि टॉर्क निकालने के लिए आपको एक तो फोर्स चाहिए, कि फोर्स कहाँ पर लग रहा है, अब फोर्स ये हैंडल है, मान लो यहाँ पर लग रहा है फोर्स, इधर लगेगा, हम इसको ऐसे खोलेंगे और
परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने लेना जहां फोर्स लग रहा है और जिस एक्सिस के बाद बॉडी रोटेट कर रही है, ये डिस्टेंस दोनों के बीच का, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जहां हैंडल लगा हुआ है वहां पे आपने फोर्स लगाया, वो फोर्स कितना है। तो टॉर्क निकालने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए होता है, टॉर्क इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है और जहां आपने फोर्स लगाया उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड एज आर। दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड एज आर। सो टॉर्क इज फोर्स अप्लाई मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो टॉर्क का सिंबल जो होता है दैट इज टाउ, टी लिख के वैक्टर है एक, तो वैक्टर में एफ क्रॉस आर, वैक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें टॉर्क इज अ वैक्टर क्वांटिटी, तो टॉर्क क्या बन गया, दैट इज एफ क्रॉस आर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अगर टॉर्क एक वैक्टर क्वांटिटी है तो इट मीन्स इसका कोई डायरेक्शन भी होगा। तो आपको इस केस में क्या करना है, हैंडल है यहाँ पे फोर्स लगाया और जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये रोटेट कर रहा है दिस इज आर, तो फोर्स तो मान लो बाहर की तरफ ये लगाया से, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने लेना है, मतलब जहाँ है वो हैंडल लगा हुआ है और जिस एक्सिस के अबाउट जहाँ से वो फिक्स है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज टॉर्क। दैट इज टॉर्क, मतलब वो फोर्स लगेगा उसको रोटेट करवाने के लिए। अगर आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हो तो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी क्या होता था, ये भी साइन थीटा, सो इट विल बी आर एफ साइन थीटा, बट इट विल बी दैट इज आर एफ साइन थीटा। ओपन भी कर सकते हो, अगर आपको आर दे रखा हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स दे रखा हो, एंगल दे रखा हो दोनों के बीच का, तो टॉर्क यू कैन कैलकुलेट, टॉर्क यू कैन कैलकुलेट। अगर हम इसकी बात करें, अगर थीटा जीरो हो, थीटा जीरो कब होगा, जब आर और एफ सेम डायरेक्शन में होंगे। आप दरवाजे को खोलने के लिए ना फोर्स परपेंडिकुलर लगाते हो, मतलब फोर्स इधर लगाओगे ऐसे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो गया और फोर्स ऐसे है, तो 90 डिग्री अब आप लगाते हो। अगर ऐसे ही फोर्स लगाओगे आप हैंडल की डायरेक्शन में तो क्या होगा, आर और एफ की डायरेक्शन सेम हो जाएगी अगर फोर्स इधर लगाओगे तो। सेम थीटा जीरो तो साइन जीरो जीरो होता है, तो टॉर्क क्या लगेगा, जीरो। टॉर्क जीरो लगने का मतलब देर इज नो रोटेशनल फोर्स, तो कोई रोटेशन नहीं होगी तो वो दरवाजा रोटेट नहीं करेगा। इसीलिए आप जो हैंडल के ऊपर 90 डिग्री पे फोर्स लगाते हो, क्यों, क्योंकि थीटा जब आप 90 डिग्री करोगे साइन 91 होता है, तो साइन 91 मतलब मैक्सिमम होता है, तो साइन 90 मैक्सिमम, तो टॉर्क भी क्या लगेगा, दैट इज आर एफ, ये मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो आप क्या चाहते हो, अभी मैक्सिमम टॉर्क ही चाहते हो ना, अभी आसानी से वो डोर रोटेट हो जाए, मैक्सिमम टॉर्क उसके ऊपर लगे, तो इसीलिए 90 डिग्री पे जब आप फोर्स लगाओगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से यू विल गेट द मैक्सिमम टॉर्क, यू विल गेट द मैक्सिमम टॉर्क, आपको टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। ओके, बॉडी द विल इजिली रोटेट, वो इजिली रोटेट हो जाएगी। एंड टॉर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर किसी बॉडी के ऊपर आपने टॉर्क लगाया एंड बॉडी इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, अगर बॉडी किस में रोटेट कर रही है, दैट इज एंटी क्लॉक वाइज, अगर एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करेगी देन टॉर्क विल बी पॉजिटिव। तो टॉर्क क्या लेना है, पॉजिटिव। और अगर फोर्स लगा के आपने बॉडी को क्लॉक वाइज रोटेट करवाना है तो टॉर्क क्या बनेगा, दैट इज नेगेटिव। अगर एंटी क्लॉक वाइज बॉडी रोटेट करेगी तो टॉर्क पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज अगर बॉडी रोटेट करेगी तो टॉर्क क्या लेना आपने, नेगेटिव। तो टॉर्क कब लेना है वो ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगाने से टॉर्क लगाने से अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगे तो यू विल टेकन एज टॉर्क पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज अगर रोटेट करने लगे तो यू विल टेकन एज नेगेटिव। नाउ टॉर्क किन किन बातों पर डिपेंड करता है, दैट इज आर एफ और थीटा। थीटा हमने पढ़ चुका है, अगर 90 लगाएंगे तो मैक्सिमम लगेगा, जीरो लगाएंगे तो मिनिमम लगेगा, तो यू विल अप्लाई एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे फोर्स लगा लो तो टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। हम चाहते हैं मैक्सिमम ही लगे, इजिली रोटेट हो जाए। अच्छा, हम क्या चाहते हैं भी, फोर्स कम से कम लगे, तो टॉर्क का इफेक्टर कौन सा है, आर। आपने कभी नोट किया होगा हैंडल जो होता है वो डोर के किनारे के पास ही लगा होता, सेंटर में क्यों नहीं लगा हुआ होता, यहाँ क्यों नहीं होगा हैंडल, क्योंकि किनारे पे लगाने से, एज पे लगाने से क्या होगा, ये आर मैक्सिमम होगा, उतना ज़्यादा होगा, जितना आर ज़्यादा उतना टॉर्क ज़्यादा, क्योंकि टॉर्क इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। सो आर मैक्सिमम देन टॉर्क विल ऑल्सो भी मैक्सिमम। इसलिए जो डोर का हैंडल होता है
वो अगर आप सेंटर में लगा दो मान लो यहाँ पे, तो यही आर काउंट होगा, क्योंकि फोर्स हम यहाँ लगाएंगे इसको पकड़ के इधर, ये आर काउंट होगा। तो क्या बनेगा, आर मैक्सिमम तो हुआ नहीं ना, आर तो थोड़ा कम रहा। आर अगर कम है तो टॉर्क भी कम लगेगा, टॉर्क आर कम है तो आपको टॉर्क तो हर एक बॉडी को रोटेट करवाने के लिए टॉर्क उतना चाहिए चाहिए, तो आर कम होगा तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, आर कम होगा तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आप क्या चाहते हो भी फोर्स कम लगे, फोर्स कम लगने के लिए आर ज़्यादा होना पड़ेगा, इसीलिए हैंडल जो है वो एज पे ही लगाया जाता है हमेशा। ओके, और अगर हम बात करें एक रेंच जो होता है, जैसे कोई भी चीज़ को खोलने के लिए पाइप रेंच हो गया, या जो चाबी पाना होता है, चाबी होती है किसी भी चीज़ को खोलने के लिए, स्क्रू वगैरह होता है उसको खोलने के लिए, ऐसे चाबी नहीं बनी हुई होती ऐसे करके उसके ऊपर लगाते हैं और उसको खोलते हैं, तो इसको रेंच बोलते हैं एक्चुअल में, रेंच विद लॉन्ग आर्म। अगर ये लॉन्ग होगा तो क्या होगा, आप इजिली किसी बॉडी को रोटेट करवा सकते हो, मतलब कोई स्क्रू वगैरह इजिली खोला जाएगा। क्यों, अगर ये लॉन्ग होगा तो मान लो एफ फोर्स आप यहाँ पर लगा रहे हो, अगर ये लॉन्ग होगा तो आर क्या होगा, ज़्यादा आर ज़्यादा होगा तो टॉर्क ज़्यादा लगेगा अपने आप ही, तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो अगर आप ये छोटा होगा तो आर कम होगा तो टॉर्क कम लगेगा, आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इट मीन्स जो लॉन्ग आर्म का रेंच होते हैं दैट इज़ बेनिफिशियल, तो उसको आप में आर ज़्यादा हो जाता है तो फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट रोटेशन मोशन के कॉन्सेप्ट में हम दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, देखो एक टर्म हमने पढ़ी है लीनियर मोमेंटम, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, एंगुलर का मतलब होता है एंगल पे, मतलब रोटेशन। अगर बॉडी स्ट्रेट चल रही हो तो उसका जो मोमेंटम होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट इज लीनियर मोमेंटम, अगर स्ट्रेट मोशन में जा रही हो तो। लेकिन अगर बॉडी रोटेट कर रही हो तो उसका जो मोमेंटम होगा दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एंगुलर मोमेंटम होता है मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब रोटेशन मोशन में जो लीनियर मोमेंटम बनेगा दैट इज एंगुलर मोमेंटम। रोटेशन का कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो बॉडी का रोटेशन मोशन के दौरान जो लीनियर मोमेंटम होगा दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, वो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम होता किसके बराबर है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही आर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो कितना बॉडी का लीनियर मोमेंटम है मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता भी एल, लीनियर मोमेंटम का सिंबल होता है पी, क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है आर, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमने पढ़ा है अभी पीछे। ओके, तो वही एंगुलर मोमेंटम क्या बन गया, दैट इज लीनियर मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट विद दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। जो पार्टिकल रोटेट कर रहा हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम ये बनेगा आपके पास। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, दैट इज आर पी साइन थीटा, आर पी साइन थीटा। अगर आप चाहते हो भी एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा हो तो आर ज़्यादा होना चाहिए, थीटा 90 होना चाहिए, तभी लीनियर मोमेंटम उसका कम मिलेगा तो आर ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ें जो हमने पीछे की हैं वही यहाँ यूज़ होंगी। तो अगर बॉडी स्ट्रेट लीनियर डायरेक्शन में चल रही है दैट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो रोटेट करते वक्त जो मोमेंटम होगा पार्टिकल का दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। व्हाट इज इट, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। नाउ मूविंग टू द सेम कॉन्सेप्ट, वी आर डूइंग रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होती है, वो रिलेशन हमने कैलकुलेट करनी है, तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या ये दैट इज एल इज इक्वल टू क्या होता है, पी क्रॉस आर। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, दैट इज डी एल बाय डी टी। ए क्रॉस बी में क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट,
सेकेंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एज इट इज प्लस, जिसका पहले डेरिवेटिव होता वो एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। ओके, पहले पी का डेरिवेटिव, फिर आर एज इट इज, फिर पी एज इट इज आर का डेरिवेटिव। सो डी एल बाय डी टी तो हमने एज इट इज लेना है, या डी एल बाय डी टी। डी पी बाय डी टी, अगर हम न्यूटन के सेकेंड लॉ की बात करें, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता था, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो डी पी बाय डी टी जो बनता है वो दैट इज फोर्स, ये क्रॉस प्रोडक्ट आएगा क्योंकि क्रॉस दिया हुआ हमें, दैट इज एफ क्रॉस आर। क्या बन गया, एफ क्रॉस आर। सो वट इज दिस पी इंटू डी आर बाई डी टी, आर पोजिशन वैक्टर है, डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेटिव वेलॉसिटी होता है, सो इट विल बी वेलॉसिटी। ओके, तो ये डी एल बाई डी टी एफ क्रॉस आर टॉर्क बन जाता है, अभी हमने पीछे पढ़ा है कॉन्सेप्ट में, वट इज एफ क्रॉस आर, दैट इज टॉर्क, वो टॉर्क होता है, प्लस पी लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम क्या होता था, मास इंटू वेलॉसिटी, तो हम इसको एम वी वेलॉसिटी वैक्टर क्वान्टिटी इंटू वी, एक है पी को हमने एम में लिख दिया और v को एज इट इज v लिख दिया। अब क्रॉस प्रोडक्ट के जो रूल्स होते हैं उनमें i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दैट इज जीरो होता है, मतलब सेम यूनिट वेक्टर का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, तो यहाँ सेम क्वांटिटी का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो होता है, तो यहाँ v क्रॉस v कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, v क्रॉस v कितना बना, जीरो। तो इससे क्या प्रूव हुआ, दैट इज डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क, यहाँ टॉर्क ही बचा ना इक्वल, ये तो जीरो ही हो गया, तो टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। इट मीन्स व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ अ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ conservation of angular momentum, law of conservation of angular momentum, angular momentum का law of conservation, law of conservation of linear momentum ने पढ़ा हुआ है। linear momentum का law of conservation क्या कहता था कि अगर किसी body के ऊपर external force zero है तो उसका linear momentum conserved रहता है, linear momentum change नहीं होता, जितना है उतना ही रहता है। तो law of conservation angular momentum में force की जगह torque ने ले ली और linear momentum की जगह एंगुलर मोमेंटम ने ले ली। सो व्हाट विल बी द कॉन्सेप्ट, टॉर्क हमें क्या दिया हुआ है, दैट इज डी एल बाय डी टी, टॉर्क क्या दिया हुआ है, डी एल बाय डी टी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन्स कंजर्व। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा तो जो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है दैट विल रिमेन कंजर्व्ड, कंजर्व्ड का मतलब वो एज इट इज रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। तो इसको हम देखते हैं, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो करें तो टॉर्क जीरो हो गया, अगर टॉर्क जीरो तो इट मीन्स डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, अगर टॉर्क जीरो है तो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। अगर डी एल बाई डी टी जीरो है तो क्या हुआ, किसी भी टर्म का अगर डेरिवेटिव जीरो है वो तब हो पाता है जब वो टर्म कॉन्स्टेंट हो, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। किसी भी टर्म का अगर डेरिवेटिव जीरो है इसका मतलब है कि वो टर्म कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव जीरो होता है। इट मींस क्या हुआ, दैट इज एल इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि एल का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है तो इट मींस एल क्या है, कांस्टेंट, बट वाज एल, एल वाज एंगुलर मोमेंटम। इट मींस अगर टॉर्क जीरो था तो एंगुलर मोमेंटम बॉडी का क्या आया, कंजर्व्ड रहा। अगर टॉर्क जीरो है बॉडी का देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल रिमेन कंजर्व, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडेज कॉन्सेप्ट, वी हैव कवर्ड व्हाट इज टॉर्क, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम एंड ऑल्सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डू प्रैक्टिस, प्रिपेयर नोट्स एंड सेंड द पिक्स टू माई पर्सनल व्हाट्सएप, ऑल कंपल्सरी फॉर एवरी वन। टिल देन थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।